सो लो गाइज, कैसे आप लोग गाइज? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बने होंगे गाइज। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप व्हाट्सअप पे कैसे अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं, बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और उससे आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आप फ़ोनपे में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो आप व्हाट्सअप से भी सेंड कर सकते हैं मनी। चलिए आप लोग बताते हैं आप कैसे इसमें अकाउंट को ऐड करेंगे और क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ता है। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर, आप लोग बताते हैं कैसे व्हाट्सअप में आप अकाउंट को ऐड करेंगे या किसी को पैसा अगर ट्रांसफ़र करना होगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जिस नंबर से आपका व्हाट्सअप खुला हुआ अगर उस नंबर से आप फ़ोनपे सब पेटीएम सब चलाते हैं तो आप वो बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे फ़ोन नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस तुरंत पूरा हो जाएगा। जैसे आप फ़ोनपे सब पेटीएम सब अगर इस नंबर से चलाते हैं, ठीक है, तो आपको व्हाट्सअप में कैसे बैंक अकाउंट को ऐड करना है, चलिए आप लोग बताते हैं पूरा प्रोसेस। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ऐप को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। व्हाट्सअप ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा। आपको क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कंटिन्यू क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सेलेक्ट योर बैंक, यहाँ पर आपको बैंक को सर्च करने लगा है जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक को हम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर नंबर, वेरीफाई करेगा अपने आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिनो, जैसे आप यहाँ पर फिनो सेलेक्ट कर लिए यहाँ से अगर इस नंबर से जो फिनो बैंक होगा ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई एक OTP गिरेगा इस पर कन्फर्म करने के, ठीक है। आपको वेरीफाई क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आपका देखिए यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा सेलेक्ट हो चुका है मेरा अकाउंट, ठीक है, नीतीश कुमार मंडल के नाम से है, ये फिनो बैंक है, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे सेंड सेंड ए पेमेंट, यहाँ पर डन डन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर आप जो बैंक सेलेक्ट करेंगे या जिस नंबर से आपको उस नंबर से अगर वह बैंक खुला होगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, केवल आप इस पर OTP गिरेगा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है, आप सोचेंगे इसमें UPI सब लिया नहीं है तो कौन सा UPI, जो नंबर से आप फ़ोनपे सब पेटीएम सब चलाते हैं जिस UPI को यूज करते हैं वही इसमें UPI पिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए। नहीं तो आप चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे फॉरगेट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो कैसे फॉरगेट किया जाता है तो हम आपको बता देंगे। आपको फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद आपको जो पुराना वाला UPI है जो आप गूगल पे या फ़ोन पे में यूज करते हैं उसको आप ऐड करना है यहाँ पे, तो ये वही ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉरगेट पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फॉरगेट पर क्लिक करके आपको OTP वहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड दे देना है तो ये आपका न्यू पिन UPI पिन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आप पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्कैन पेमेंट QR कोड, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आप स्कैन कर सकते हैं किसी का QR। यहाँ पर देखिए माई QR, तो इस पर आपको कोई पैसा सेंड करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सेंड करते हैं। जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट में जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट में जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी आप सेंड कर सकते हैं केवल UPI ID को डाल करके, नहीं तो आप स्कैन करके सेंड करेंगे। तो यहाँ पर स्कैन करके हम चलिए आपको सेंड करके बताते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गैलरी में है एक QR, यहाँ से देखिए ये सेलेक्ट किए यहाँ संतोष कुमार के नाम से, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जैसे सेंड करेंगे यहाँ पर सेंड फॉरगेट भी कर सकते हैं पिन, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, ये देखिए कंप्लीट
हो गया है, यहाँ पे सेंड हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे ही सेंड कर सकते हैं पैसा को, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं तो अगर आप UPI से सेंड कर, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में आ चुका है, 1 रुपया सेंड हो चुका है। आप ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट को फॉरगेट करना है तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए सेंड मनी, यहाँ से आप नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI, यहाँ पर देखिए UPI डालेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई क्लिक करेंगे तो ये पैसा सेंड हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप कैसे व्हाट्सएप में अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और किसी के फ़ोन में पैसा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।